आज की जो वीडियो है वो मोस्टली गर्ल्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आईलैशेस किस तरह से अप्लाई की जाएं, इसके बारे में है। और मेरा भी पर्सनली ये सबसे बड़ा इशू था। मेकअप करना मुझे बहुत आसान लगता था, लेकिन जब आईलैश अप्लाई करने की बारी आती थी तो हमेशा मैं स्ट्रक हो जाती थी कि इतना टाइम टेकिंग कम है कि आपको मज़ीद 10-15 मिनट चाहिए ये अप्लाई करने के लिए। तो मैंने वीडियो देखी जो पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी, उन्होंने जो टिप बताई कि किस तरह से आप आईलैश का अप्लाई कर सकते हैं, मैंने उसको फॉलो किया। और ये वाकई में बहुत कन्वीनियंट और आसान मेथड है जिसके ज़रिए से आप आईलैश को अप्लाई कर सकते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मैं आपको ये अप्लाई करके बताती हूँ जो टिप उन्होंने बताई है कि ये वाकई में काम करती है या नहीं करती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है वीडियो देखने में तो देखते रहिए। लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो हैं आईलैशेस। आप किसी भी तरह के आईलैशेस यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने pinkpish.pk से बाय की थी। इसके अलावा आपको आईलैश ग्लू चाहिए। ये आईलैश हैंडलर है जिससे आईलैश आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आईलाइनर जो ख़त्म हो गया हो उसके आप इस तरह से ले सकते हैं। ब्रश, थिन ब्रश लेना है आपने। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अप्लाई करें, लेकिन आईलाइनर मैं अप्लाई करूँगी लास्ट में। यही चीज़ें, इनको यूज़ करके आप बिल्कुल आसान तरीके से आईलैश अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आईलैश ग्लू लेनी है और ये ब्रश लेना है जो आईलाइनर का ब्रश है। आपने बिल्कुल थिन लेयर अप्लाई करनी है। ये आपने अप्लाई कर ली। इसके बाद आपने 10 तक काउंट करना है ताकि ये ठीक तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर आईलैश अप्लाई करेंगे। मैंने, क्योंकि आईलैशेस जो पहले से मैं यूज़ कर रही हूँ मैं वही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको कट नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपने जो इसके इनर कॉर्नर्स हैं वहाँ से थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि वो बाद में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, क्योंकि वो उससे इरिटेशन होगी आपको बाद में। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल में 3-4 सेकंड के बाद इसको अप्लाई करेंगे हम। ये आईलैश ले ली। अच्छा, लास्ट बात, कि जिस आई पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसी साइड पे आप इसको भी उस हाथ के साथ आप इसको अप्लाई करेंगे ताकि मुश्किल नहीं हो। अब मैं इसको अपनी आई पे प्लेस करती हूँ। प्लेस करने के बाद आपने कोई भी क्यूटिप की मदद से आपने इसको इस तरह से इसके कॉर्नर्स का एडजस्ट करना। एंड इट्स डन। देखिए कितनी आसानी से आईलैश अप्लाई हो गई। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसके बाद आप आईलाइनर अप्लाई कर लें। अब मैं दूसरी साइड पे अप्लाई करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
दोनों साइड्स पर मैंने आईलैशेस अप्लाई कर ली हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, अपने जो आपके ये इनर कॉर्नर्स हैं यहाँ पर ब्लैक पेंसिल अप्लाई करनी है ताकि बिल्कुल नेचुरल लुक आए। ये देखिए